वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का मतलब आप आपकी कंपनी का क्या कर रहे हो, समापन कर रहे हो, बंद कर रहे हो। तो आपकी कंपनी किस कंडीशन में बंद होती है? दो कंडीशन होती है, एक तो कंपलसरी वाइंडिंग अप और दूसरी होती है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ठीक है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में क्या होता है, कंपनी अपने खुद की इच्छा से क्या कर रही है, बंद कर रही है। अब वो बंद क्यों कर रही है, क्योंकि उसको रेगुलर कुछ ईयर से, प्रीवियस ईयर से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब कंपनी हर ईयर तो क्या नहीं कर सकती, लॉस भी नहीं कर सकती, तो वो क्या कर रही है, वाइंडिंग अप कर रही है, अपनी कंपनी को बंद कर रही है। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जो कंपनी है और कंपनी के जो मेंबर्स है दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है या कंपनी के सारे मेंबर्स वॉर में डेथ हो जाती है उनकी, या किसी भी रीज़न से डेथ हो जाती है और कंपनी का एग्जिस्टेंस भी नहीं रहता, मतलब जो कंपनी, जो बिल्डिंग है वो भी अगर बॉम्ब में या किसी भी इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाती है, तो भी क्या है, बिल्डिंग कंपनी का एग्जिस्टेंस रहता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है आपके कंपनी लॉ के अंदर, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा कंपनी का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है कौन बनाता है, लॉ बनाता है। लॉ मतलब कानून बनाता है, और कानून ही उसे क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। ठीक है, जब कानून बनाता है, तो कानून जब बंद करता है, तब वो क्या करता है, वो ये देख जैसे ये लॉ है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, कंपनी के मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया कि वो क्या करेंगे, कि कंपनी को बंद करेंगे। तो वो लॉ के पास जाते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि हमें अपनी कंपनी को क्या करना है, बंद करना है, वाइंडिंग अप करना है। तो फिर लॉ क्या बोलता है, ठीक है हम आपको कर देंगे। पर फिर लॉ क्या करता है, लॉ एक पर्सन को भेजता है, उसका नाम क्या हो, उसका नाम लिक्विडेटर होता है। क्या होता है, जिस पर्सन को भेजता है वो क्या होता है, लिक्विडेटर होता है। ये लिक्विडेटर क्या करता है, वो उस कंपनी में जाता है, और वो इसके अकाउंट्स देखता है, इसका अकाउंट्स मतलब उसका बैलेंस शीट देखता है। ठीक है, तो उस बैलेंस शीट में देखता है कि इसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसे इस साइड तो क्या होती है, आपकी लाइबिलिटीज़ होती है, इस साइड क्या होती है, आपके असेट्स होते हैं। तो वो देखता है कि कंपनी वाकई में लॉस में जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, अगर वो जाती है तो सबसे पहले वो क्या करता है, जितनी भी असेट्स होती है उन सबको क्या करता है, सेल करता है, और जिससे जो अमाउंट रिसीव होता है उससे क्या करता है, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करता है। ठीक है, अब देखो एक चार्ट के फॉर्म में आपको मैं बताती हूँ। कंपनी है, जब भी बंद होगी तो कंपनी के पास क्या होती है, एक तरफ असेट्स होती है और एक तरफ लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो अब जब असेट्स को क्या करती है, सेल करते हैं, तो उससे क्या होता है, अमाउंट रिसीव होता है, और जो भी अमाउंट रिसीव होता है उससे सबसे पहले क्या किया जाता है, उससे आपकी लाइबिलिटीज, जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ है, उसे उसका पेमेंट किया जाता है। तो अपन यही देखेंगे, एक फॉर्मेट होता है जो लिक्विडेटर बनाता है, और किसको प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है लोगों को, प्रेजेंट करता है कि मैंने जब मैं गया वहाँ तो कंपनी की ये कंडीशन थी, मैंने उनके असेट्स को सेल किया, जिससे जो अमाउंट रिसीव हुआ उससे क्या किया, उनके लाइबिलिटीज़ को क्या किया, उसका पेमेंट किया। ठीक है, और वो स्टेटमेंट किसे दे देता है, वो लोगों को दे देता है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट होता है आपका लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर मतलब जो लिक्विडेटर ही बनाता है इस स्टेटमेंट को, तो इसका नाम क्या दे दिया, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे दिया। अब इसका फॉर्मेट देख लो, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, अगर आप रेगुलर वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी अमाउंट रिसीव होता है असेट्स को सेल करने से, मतलब जो भी आप असेट्स सेल करते हो, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, एवरीथिंग, जो भी आप सेल करते हो असेट्स, वो किस साइड आती है, आपके रिसिप्ट साइड आएगी। ठीक है, अब आपको जो भी पेमेंट करना है, जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, जो अपन से पैसे मांग रहे हैं उन्हें पेमेंट करना हो, और जैसे बैंक मांग रहा है आपसे तो बैंक को पेमेंट करना हो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कर रहे हो, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को कर रहे हो, तो जितना भी पेमेंट आपको करना है वो कहाँ लिखा जाएगा, पेमेंट साइड लिखा जाएगा। अब रिसिप्ट साइड देख लेते हैं कि रिसिप्ट साइड पर कौन कौन से कंडीशंस, कौन कौन से आइटम्स आते हैं, जैसे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जितना भी पैसा पड़ा है आपके पास कैश में, वो
और जितना भी पैसा आपके बैंक में रखा हुआ है वो आपको सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, लिक्विडेटर क्या करेगा, असेट्स को सेल करेगा, प्लांट को सेल करेगा, फर्नीचर को सेल करेगा, जितना भी सेल करता है जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो यहाँ लिखेंगे। जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज को सेल किया तो यहाँ लिखा, करंट असेट्स को सेल किया तो यहाँ लिया, लोन एंड एडवांसेस को से अमाउंट रिसीव हुआ तो यहाँ लिखेंगे, फिक्स असेट से जो अमाउंट रिसीव हुआ वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। पहले इतना समझिए, जितना भी अमाउंट रिसीव होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, रिसिप्ट साइड लिखा जाएगा। अब पेमेंट साइड, ये फॉर्म बिल्कुल फिक्स है, इसकी जो आइटम्स है वो ऊपर नीचे नहीं हो सकते, तो आपको इसको जैसे सीरीज वाइज दिख रहा है आपको वैसे ही याद करना है, ठीक है। अब जितना भी आपको पैसा रिसीव हो गया, ठीक है, जितना ही अमाउंट पैसा रिसीव हो गया उसमें से सबसे पहले पेमेंट किसका करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट आप शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी रहती है, जैसे बैंक की रहती है, ठीक है। इनकम टैक्स आपको पहले पे करना पड़ेगा, बाद में उनको पे करना, तो सबसे पहले आपको कौन क्या पे करना पड़ेगा, आपको लीगल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लीगल चार्जेस कौन से लीगल चार्जेस, ये वाले जो लो के जितने भी चार्जेस हैं यहाँ, अभी यहाँ किया लो में जितने भी चार्जेस वो सारे चार्जेस यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और बाद में बाय लिक्विडेटर रेमुनरेशन, लिक्विडेटर कौन है, जो ये अकाउंट बना रहा है, ये लिक्विडेटर कौन है, जिसने लोने भेजा है कंपनी में, ठीक है। लोने क्या किया, कंपनी में भेजा है, तो वो अपना पैसा तो लेके जाएगा, फ्री में काम तो नहीं करेगा, तो अब क्या करना है, रेमुनरेशन वो किस पे लेगा, ठीक है। एक फिक्स अमाउंट पे तो नहीं लेगा, वो रेमुनेशन ले सकता है प्रेफरेंस से क्रेडिटर्स पे, जितना अमाउंट आपको क्रेडिटर को पे करना है उस पर वो 2% ले सकता है, 3% ले सकता है, 4% ले सकता है, तो जितना भी परसेंट लेता है वो आपको सबसे पहले ये लिक्विडेटर रेमुनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप रेमुनेशन कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे, जैसे यहाँ देखिए रेमुनेशन चार तरीके से दिया जाता है, किनके ऊपर, एक तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर, शेयर होल्डर्स और ऑन असेट्स रियलाइज, मतलब जितना भी आपको असेट से रियलाइज हुआ अमाउंट उस पर क्या है, 2%, तो आपको डायरेक्ट 2% कैलकुलेट करना है और डायरेक्ट यहाँ लिख देना है अगर ऑन असेट्स बोले तो, ठीक है। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब जहाँ आप अपने यहाँ कैलकुलेट करेंगे जो अमाउंट आएगा, ठीक है, उस अमाउंट का 2% 3% जितना भी आता है वो यहाँ लिख देंगे अगर क्वेश्चन में बोलेगा। आपको क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि रेमुनरेशन किसके ऊपर दे रहा है, वो आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर दे रहा है या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर दे रहा है या शेयर होल्डर्स के ऊपर दे रहा है या असेट्स अमाउंट रियलाइज हुआ है उसके ऊपर दे रहा है, तो आपको सबसे पहले करना है। तो ये दो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और असेट्स रियलाइज, ये आपको डायरेक्ट बोल देगा कि आपको 2% देना है 3% देना है। पर अनसिक्योर क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स, ये दो ऐसे पर्सनस हैं, उनको आपको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके पास इतना पैसा है कि है भी या नहीं कि आप उनका अमाउंट पे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि फ़ंड अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा है, अगर फ़ंड अवेलेबल नहीं है तो उसके कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, तो जब फ़ंड अवेलेबल होगा, पैसा होगा आपके पास, अब वो पैसा आपको कैसे फाइंड करना है अभी बताऊँगी मैं। फंड्स अवेलेबल के वक्त आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर क्रेडिट, जितना भी अमाउंट अनड्यू है, ठीक है, बकाया है, इनटू रेट, जैसे 2% है तो ऊपर 2% और नीचे 100, ये हो गया सिंपल कैलकुलेशन। जब अमाउंट फंड अवेलेबल नहीं हो तब कैसे होगा, जितना भी अमाउंट अवेलेबल, जैसे 1 रुपये है, 2 रुपये है, 2,000 है, 3,000, जितना भी अमाउंट अवेलेबल है वो यहाँ लिखेंगे, इनटू रेट, जैसे 2% है तो ऊपर 2 और नीचे 100 + 2, क्योंकि रेट है ना यहाँ, तो उससे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको कहाँ लिखना है, लिक्विडेटर रेमुनरेशन के ऊपर लिखना है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स को ऊपर रेमुनरेशन मांगता है तो कैसे कैलकुलेशन करनी है, और शेयर होल्डर्स के ऊपर मांगता है तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि फ़ंड अवेलेबल है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका टोटल रिसिप्ट साइड का टोटल जो भी आएगा, ठीक है, उसको लिखेंगे, उसमें से आपको लेस करना पड़ेगा लीगल चार्जेस, ठीक है, और डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जितना अमाउंट बचता है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या करोगे, अमाउंट कैलकुलेट करोगे। आई होप आपको रेमुनरेशन का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा।
तीसरा है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं लिक्विडेटर ने इस ड्यूरेशन में अकाउंट बनाते वक्त, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे। डिबेंचर होल्डर, अब देखो डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, जिन्हें आपको पैसे चुकाना है, आपको पैसे चुकाना है, जैसे बैंक हो सकता है वो, और आपके प्राइवेट लोन डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन दो तरीके से होता है, ठीक है, दो तरीके से ना, मतलब सिंपल। जैसे ये देखो, आपको क्वेश्चन में देख दे 6% डिबेंचर का आपको पेमेंट करना है, उसकी रेट है 10,000 रुपीज़। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, जो अमाउंट है ठीक है वो 10,000 तो आएगा ही, उसमें ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट, क्या हो जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट। तो 10,000 पे 6% निकालेंगे यहाँ, यहाँ जैसे 6% डिबेंचर बोल रहा है ना यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि 6% के इंटरेस्ट पे क्या लिया है उसने, 10,000 रुपये लिए। तो आपको 10,000 रुपये पे करना है, प्लस उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो 10,000 पे 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6,000 आना चाहिए ठीक है, और फिर आपको ऐड कर देना है इन्हें, तो 16,000 आपका क्या हो जाता है, आपका अमाउंट बन जाता है ठीक है। तो आपका देख लेना ये 6% आ रहा है या और 600 आएगा, तो आप देख लेना। अब दूसरी तरफ से अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि डिबेंचर का आपने डिबेंचर लिए हैं और 10,000 के, पर आपको ये नहीं गिवन कि आपको कितना इंटरेस्ट देना है ठीक है, क्योंकि यह 6% नहीं है। यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, 6% गिवन था, इसलिए अब आपने क्या किया इंटरेस्ट दिया। अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो आप डायरेक्ट 10,000 से आप यहाँ अमाउंट लिख दोगे। तो ये था डिबेंचर होल्डर। तो अब आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जब भी अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि आपके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जहाँ तक पेमेंट किया है वहाँ तक की डेट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वही ऐड करना है ठीक है, वो आ जाएगा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। डिबेंचर होल्डर हो गया। क्रेडिटर्स का आ जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, कौन कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, अनसिक्योर क्रेडिटर्स का जो भी पेमेंट करना है वो सारे लिखेंगे अपन यहाँ। और फिर इसके बाद जो अमाउंट बचता है, जितना अमाउंट बचता है वो फिर प्रेफरेंशियल होल्डर्स को दिया जाएगा, उसके बाद कौन किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अमाउंट दिया जाएगा। तो ये था फॉर्मेट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका न्यूमेरिकल करवाऊंगी, अच्छे से समझ में आएगा। अगर यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।